राम राम, सनातन धर्म की जय। एक जो कल हमने आपको एक दुखद समाचार दिया था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्मर में एक पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर रैंक पे थे, उनकी कल जो है मृत्यु हो गई। खबर ये है कि एक एक्सीडेंटल फायर हुआ या फिर क्या कारण रहे उस फायर के, अभी तक पुलिस द्वारा तो कोई इसमें जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन जो पूरा मामला है वो छन्नी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। जिनकी कल मृत्यु हुई उनका नाम इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह और उनकी उम्र 48 साल थी। रहने वाले वो पुंछ के थे और इस समय वो बठिंडी में रह रहे थे। ये छन्नी पुलिस लाइन में जो है कार्यरत थे और आर्मर्ड पुलिस विंग में थे। इन्हें दो गोलियां लगी और दो गोलियों में ये जो है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में जो है अस्पताल ले जाए गए, जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट तो हुआ लेकिन वो बच नहीं पाए। एक बड़ा ही दुखद समाचार, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर रैंक पे थे, उनकी मृत्यु हो गई। ये एक एक्सीडेंटल फायर है। अब पीछे क्या हालात थे या क्या कारण हुए, ये तो अब इंक्वायरी का विषय है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है। लेकिन अब बोर्ड वगैरह भी बैठा है, पोस्टमार्टम भी होगा। लेकिन एक दुखद समाचार कि हमारे एक इंस्पेक्टर जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्मर में थे, गुरदीप सिंह जी रहने वाले पुंछ के, उनकी मृत्यु हो गई। आप लोग इस वीडियो पर ओम शांति लिखें। और एक दुखद समाचार है, इनके परिवार पे इस समय मुसीबत के जो बादल हैं वो टूट गए हैं। और मैं पुलिस से भी कहूँगा कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिरकार क्या बात हुई, मतलब कि एक्सीडेंटल फायर है या क्या हुआ इनके साथ। धन्यवाद। राम राम, ओम शांति।